पॉलिटेक्निक में कौन से बेस्ट ब्रांच है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि बेस्ट ब्रांच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक में कौन कौन से हमारी बेस्ट ब्रांचेज निकल के आती हैं, किस ब्रांच से हमें पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमको जो है अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो पाए, तो इसलिए आपको सारी बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से। किसको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह नहीं मिलेगी। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर गलती से भी अगर आपने ऐसे ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप 3 साल डिप्लोमा करने के बाद भी हमेशा पछताते रहते हैं और कहते हैं कि सर हमें जो है अच्छी ब्रांच नहीं मिली है, जिसके कारण जो है हमारा करियर अच्छे डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ब्रांच के बारे में डायरेक्शन लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी ब्रांच को कैसे सेलेक्ट करना, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम सिविल इंजीनियरिंग से, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग लोग कहते हैं कि भाई टॉप की ब्रांच है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें जो है सिविल इंजीनियरिंग मिल जाए। सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, कैसे, क्या सिविल इंजीनियरिंग लेना आपके लिए सही है या नहीं है, इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है आपका, कि जो आपके मकान बनते हैं, जो आपके रोड बनते हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बड़ी बड़ी होटल्स बनाई जाती हैं या पुल बनाए जाते हैं या बिल्डिंग बनाई जाती है, इत्यादि जगहों पर आपका काम सिविल इंजीनियरिंग का होता है। अब जिनको फील्ड में इंटरेस्ट है जॉब करने के लिए, उनके लिए सिविल का ब्रांच बहुत बेस्ट है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको फील्ड में रह करके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं फील्ड में। अब ऐसे लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग ले लेंगे तो फिर वो तो अब रोड जहाँ बन रहा है वहाँ पे तो आपको गर्मी के दिनों में भी आपको रोड पे रहना पड़ेगा, ठंडी के दिनों में भी आपको रोड पे रहना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए कि आपका शरीर इस तरीके से नहीं है कि उस परिस्थिति को झेल पाएगा, तो आप ब्रांच में टॉप करने के बावजूद भी आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग वही लें जिनको ऐसा लगता है कि वो सिविल में सर्वाइव कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ में रहते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ठीक है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको मालूम है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए प्राइवेट इंडस्ट्री में हम देखते हैं। पहली बात आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर के विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं जॉब करने के लिए। मेरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, लेकिन उसमें जो है 30-40% ऐसे इंजीनियर हैं जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट जॉब में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आसानी के साथ जा सकते हैं काम सीख करके, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में आ सकते हैं काम सीख करके, उसमें कोई समस्या नहीं रहती। ठीक है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रति आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी को आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सिंपल एक काम करिए कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आपको मिल रहा है तो ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट जॉब आती ही नहीं, आती है बट बहुत कम आती है, मतलब 4-5 साल में कभी कोई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल गई तो ठीक है, वरना प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में आपको गवर्नमेंट में आसानी के साथ आता रहता है, हर साल आप पेपर देते रहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका CS और IT। CS एंड IT स्पेशली वही लोग लें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, BTech वगैरह करना है, BTech, चूँकि BTech करना बहुत ज़रूरी है, बिना BTech किए आप इंडस्ट्री में जो है ये अगर आप चाहेंगे कि अपना बेस्ट दे पाएँ तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब में क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप बहुत, पहली बात तो चाहे इंटर आप पढ़ के डिप्लोमा कर रहे हो या 10th पढ़ के डिप्लोमा कर रहे हो, आपके काफ़ी कम समय में आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको BTech में अगर एडमिशन लेना है तो आप CS एंड IT ब्रांच को चूज़ करिए, क्योंकि CS और IT से पढ़ करके अगर आप BTech में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कुछ चीज़ें तो आपकी CS और IT के डिप्लोमा लेवल की तैयार रहेंगी, तो BTech में आपकी हेल्प कर देंगे डायरेक्टली, उसमें तो कोई इशू नहीं है। और जॉब जो आपको CS और IT के सेक्टर में मिल जाएगा वो आपको कहीं भी किसी सेक्टर में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एटलीस्ट डिप्लोमा लेवल पे सर्च कर रहे हैं और अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो CS और IT ब्रांच को पहले ले लीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपके पास दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकलने के आता है कि मैकेनिकल में सर हमको क्या लेना चाहिए। अब मैकेनिकल का बात अगर आपके पास आ रहा है तो 3-4 ट्रेड आपके पास मैकेनिकल के अंदर भी आपकी उनकी सब ट्रेड आपकी निकल के आती है, जैसे
मैकेनिकल में कहीं कहीं प्रोडक्शन है, किसी कॉलेज में आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, किसी कॉलेज में आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगा, हर कॉलेज में आपका अलग अलग ब्रांच है मैकेनिकल का, ठीक है। किसी किसी में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मिल जाएगा आपको। तो मैकेनिकल का जो सबसे ज़्यादा स्कोप वाला ब्रांच है वो दो ही हैं, या तो आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल जाता है तब आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज अगर आप फिल्टर करेंगे काउंसलिंग के टाइम तो आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के कॉलेज दिखाई दे देंगे, या फिर अगर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटो मिल रहा है ऑटोमोबाइल तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटो भी ले सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस आपके पास निकल के आती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। और कॉलेज और ब्रांच वही चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो आप वो ब्रांच को चुनिए, अगर वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस ब्रांच को आप मत चुनिए, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको पांडे जी टेक्निकल पर मिलती रहेगी, तो इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर वगैरह की सारी क्लासेस आपकी पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पर ही चलने वाली है। तो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।